आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले इंडिया की टॉप 10 बेस्ट स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में। और जिनको नहीं पता, इससे पहले भी हमने स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज के ऊपर एक और वीडियो बनाया था और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने जो 10 सीरीज इंक्लूड की है, हो सकता है कि वो प्योरली स्पाई थ्रिलर सीरीज ना हो, लेकिन इन हर वेब सीरीज में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो कि आपको एक स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। और स्पाई थ्रिलर से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करने से पहले हमारा पुराना वीडियो भी वॉच कर लेना, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमने किस लेवल की सीरीज पिछले वीडियो में इंक्लूड की थी। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो के न्यू सब्सक्राइबर है वो कमेंट में न्यू सब्सक्राइबर कमेंट कर देना। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे है 8.2 IMDb रेटिंग के साथ काफिर। ये एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। सीरीज में दिखाया गया कि एक लेडी पाकिस्तान से भागकर अपनी जान देने के लिए एक नदी में कूद जाती है, लेकिन वो गलती से इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर देती है और इंडियन आर्मी उसको टेररिस्ट समझ के पकड़ लेती है और अब उसको जेल में डाल देती है, जहाँ पे उसको एक बेटी पैदा होती है। इन लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को जस्टिस के लिए बहुत प्रॉब्लम सहना पड़ता है, कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। लेकिन सीरीज में ट्विस्ट तब आता है जब एक लॉयर उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उस लॉयर को भी उनके वजह से बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आगे की स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको 8 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज Z5 पे देखनी होगी। नंबर 9 कमांडो। इस बार कहानी पाकिस्तान की है, जो कि एक ऐसा बायो वेपन बना रहा होता है जो एटम बम से भी खतरनाक है और सिर्फ 24 घंटों में वो भारत के सभी लोगों को मार सकता है। लेकिन एक इंडियन स्पाई है क्षितिज, जो कि पाकिस्तान में जाके उनके लैब से ये सब इन्फॉर्मेशन लाने वाला होता है और वो इस काम में सफल भी हो जाता, लेकिन एंड में वहाँ की आर्मी उसको पकड़ लेती है और अब उसको रेस्क्यू करने के लिए इंडिया से 2 कमांडो जाते हैं। तो ये दोनों खुद कैसे बचते हैं और उस स्पाई एजेंट को कैसे बचाते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज हॉटस्टार पे देखनी होगी, जिसमें कि टोटल 4 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं। इस सीरीज को IMDb ने रेटिंग दिया 5.9 की आउट ऑफ 10। नंबर 8 सूरवीर। कहानी हमेशा की ही तरह पाकिस्तान की है, जो वापस इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा होता है और हद तो तब हो जाती है जब वो कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में आके एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे सबको मार देते हैं। और इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और कुछ बड़े ऑफिसर मिलके हॉक्स नाम की एक टीम बना रहे होते हैं, जिसमें मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के कुछ ऐसे स्पेशल एजेंट होंगे जो किसी भी क्राइम को होने से पहले ही रोक देंगे। तो अब इस हॉक्स की ट्रेनिंग चालू होती है। तो क्या इंडिया जो सोच रहा है उसमें कामयाब हो पाएगा? क्या 3 अलग अलग लेवल के मिलिट्री के एजेंट्स एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे? ये जानने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 8 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज देखनी होगी, जिसको IMDb ने रेटिंग दी 7.1 की आउट ऑफ 10। नंबर 7 जाबांज। हिंदुस्तान के एक IPS ऑफिसर है काव्या अय्यर, जिनको जब से ये पता चला होता है कि कुछ टेररिस्ट है जो इंडिया के अलग अलग जगहों पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो इसके बाद से वो सब कुछ छोड़ के उनको उनकी औकात याद दिलाने में लग जाती है। कैसे एक लेडी IPS ऑफिसर उन टेररिस्ट से डील करती है, इसमें उसको पर्सनली बहुत लॉस होता है, वो अपने बच्चे तक को टाइम नहीं दे पाती और उसका और उसके पति का तलाक होने वाला होता है। तो क्या इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद वो कुछ अच्छा कर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 40 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज आपको Z5 पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की। नंबर 6 हॉस्टेजेस। इस सीरीज की स्टोरी इजरायली हॉस्टेजेस पे बेस्ड है। सीरीज की कहानी डॉक्टर मीरा आनंद की है, जो कि बाय प्रोफेशन एक सर्जन होती है। उसको एक दिन CM का सर्जरी करना होता है, लेकिन सर्जरी से एक दिन पहले ही उसकी फैमिली को कुछ मास्क मैन लोग हॉस्टेजेस बना लेते हैं और अब उसको अपनी फैमिली को बचाने के लिए CM को मारना होता है। तो मीरा अपनी फैमिली को बचाती है या उस CM को, और वो मास्क मैन लोग कौन होते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। थ्रू आउट द सीरीज सस्पेंस और थ्रिल बना रहता है, जो आपको इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। अब तक इसके 2 सीजन आए हैं, जिसमें टोटल 22 एपिसोड है और ये सीरीज हॉटस्टार पे अवेलेबल है। सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी है 6.8 की। नंबर 5 कोड M। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों ही सीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरे सीजन की कहानी स्टार्ट होती है एक झगड़े से, जहाँ पे इंडियन आर्मी कुछ आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और इतने में 2 आतंकवादी मारे जाते हैं और इंडिया का एक सोल्जर भी शहीद हो जाता है। लेकिन ये एक ऑफिशियल स्टोरी है और इस स्टोरी के पीछे की रियलिटी किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुछ गांव वालों का मानना होता है कि जिन 2 आतंकवादियों को इंडियन सोल्जर ने मारा होता वो रियलिटी में आतंकवादी होते ही नहीं है। गांव वालों की बातों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा होता,
सीरीज में ट्विस्ट तब आता जब इन दोनों में से एक की माँ ने खुद को आग लगा के मार लिया होता, जिसके बाद ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। और अब इस केस को सॉल्व करने के लिए मोनिका मेहरा को बुलाया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, क्या वो रियली में आतंकवादी थे या नहीं, ये जानने के लिए आपको खुद ये सीरीज देखनी होगी, जिसमें कि टोटल 8 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं। और ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी 7.5 की। नंबर 4, आर्या। कहानी एक ऐसे लेडी की है जो कि एक अच्छे खासे बिजनेसमैन की बीवी है, लेकिन जो बिजनेसमैन है और उसके जो पार्टनर है उन्होंने किसी बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लिया होता है, और इस चीज़ के पीछे एक मिस्ट्री है। उस बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है, लेकिन मर्डर किसने किया किसी को भी कुछ नहीं पता। उसकी वाइफ को उनके बिजनेस के बारे में भी कुछ भी नहीं पता होता, और अब वो अपने पति का बदला लेने के लिए इन सब चीज़ों के पीछे की रीज़न पता करने लग जाती है। और उसके बाद जो ट्विस्ट आते हैं वो देख के आप सिर्फ और सिर्फ यही बोलोगे कि सुष्मिता सेन की एक्टिंग गजब है, क्योंकि जिस हिसाब से ये लेडी सब कुछ मैनेज कर रही होती है वो देखना काबिले तारीफ है। और अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी होगी तो 10 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज़ को आप हॉटस्टार पे देख सकते हो, जिसको IMDb ने रेटिंग दी 7.8 की। टॉप 3 की वेब सीरीज़ बताने से पहले आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर दो। हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे 6.5 IMDb रेटिंग के साथ काला, ये एक अंडररेटेड वेब सीरीज है क्योंकि इसमें कोई उतना बड़ा एक्टर नहीं है। वेब सीरीज की कहानी एक IB ऑफिसर, एक बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिक्स और ब्लैक मनी पे फोकस करती है। ऋत्विक जो कि एक IB ऑफिसर है, उसको किसी अननोन आदमी से ये पता चलता है कि एक बिजनेसमैन है जो कि बहुत बड़े लेवल पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा होता है, और अब ये IB ऑफिसर उसकी खोजबीन करना शुरू करता है। शुरुआत में CM भी यही चाहती है कि वो बिजनेसमैन पकड़ा जाए, लेकिन वो बिजनेसमैन कोई नॉर्मल आदमी नहीं है क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि वो 4-5 CM को यूं ही खरीद सकता है। और अब वो IB ऑफिसर ही इस केस में फंस जाता है, और अब वो खुद को कैसे बचाएगा क्योंकि उसके सामने जो है वो सरकार भी पलट सकता है। 8 एपिसोड की इस सीरीज में पूरी तरीके से सस्पेंस, ट्विस्ट और टर्न है। और इस सीरीज का बैकग्राउंड थोड़ा कोलकाता का है, जिस वजह से आपको कई डायलॉग्स बंगाली लैंग्वेज में भी देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, द फ्रीलांसर। इस बार कहानी सीरिया में सेट की गई है। इंडिया की एक लड़की है आलिया, जो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे गई होती है, लेकिन वहाँ पे उसको ISI के द्वारा कैद कर लिया जाता है। और अब इस लड़की को इंडिया लाने की जिम्मेदारी मोहित रैना, मतलब फ्रीलांसर अविनाश की है। तो अब इस सुसाइड जैसे मिशन पे वो उस लड़की को कैसे बचाएगा क्योंकि वहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन होती है। सीरीज का स्क्रीन प्ले और सीरीज की स्टोरी टेलिंग आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगा, और उस पे से मोहित रैना, सुशांत सिंह और अनुपम खेर की एक्टिंग आपको ये सीरीज देखने के लिए मजबूर करती है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं, और इस सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी है 8.3 की। हमारे लिस्ट में 1st नंबर पे 8.3 IMDb रेटिंग के साथ स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी। अगर आपने स्पेशल ऑप्स देखी होगी तो आपको पता होगा कि हिम्मत सिंह कौन है। एक अकेला आदमी जिसको पार्लियामेंट में हुए हमले में 5 नहीं बल्कि 6 आदमी थे इस बात पे यकीन होता है, और वो अकेले ही इस मिशन पे लगा होता है। लेकिन वो हिम्मत सिंह बना कैसे, उसकी पहले की लाइफ कैसी थी, और अब जब उस पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी पूछताछ कर रही होती है तब वो कौन कौन से खुलासे करता है। हिम्मत सिंह एक ऐसा ऑफिसर है ना जो देश के लिए कुछ भी कर सकता है, उसमें देशभक्ति कूट कूट के भरी है, लेकिन वो प्रोटोकॉल फॉलो करने में थोड़ा भी यकीन नहीं रखता। और वो हिम्मत सिंह बना कैसे, ये जानने के लिए आपको 4 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज हॉटस्टार पे देखनी होगी। हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपने हमारे चैनल की दोनों वीडियोस को देख लिया होगा तो उसको कमेंट करके बता देना, और मूवीज़ और वेब सीरीज से जुड़े और वीडियोस के लिए आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।